चलो। और चीकू करवा रहे हैं अभी खुजी खुजी। इनको खुजी करवाने का बड़ा शौक रहता है, इनको बड़ा मज़ा आता है खुजी खुजी करवाने के लिए। तो पीछे पीछे आ रहा है मेरे, अब मेरे मैं बैठ गया हूँ तो अब आप खुजी खुजी कर दो। और बहुत ही फ्रेंडली है, जो भी आता है तो उसके पास जाके जल्दी से पास में बैठ जाता है। और इन्होंने नहीं खाया है खाना, काफ़ी टाइम हो गया है और बैठे हुए हैं मेरे बगल में। आज चीकू ने खाना भी नहीं खाया है सुबह से, सुबह से शाम होने वाली है। इसको दूध दिया, दूध भी नहीं पिया। इसने रोटी दी, रोटी भी नहीं खाई। एग एग भी दिए बॉईल करके, तो वो भी नहीं खाए हैं। और अभी तो हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी बज गई है घंटी, तो घंटी बजते ही वो चीकू महाराज दौड़ के चले गए हैं गेट की तरफ। फ़ोन आया है तो चीकू का खाना आ गया है, तो उसके लिए मंगवा लिया हमने। डॉग फूड आया है चीकू के लिए, अभी इसको दे देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसने खाना भी नहीं खाया। इसको इसमें दूध डाल के और रोटी डाल के इसको मिल के दे देते हैं, तो ये खा लेता है। तो इसको कटोरे में मीट दिया है, इसका जो बर्तन था वो धुलने के लिए रखा है तो मैंने इसमें दे दिया है, तो ये खा रहे हैं आराम से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो सुषमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हो रही है नोएडा में बहुत तेज़ी बारिश हो रही है। पार्क में देखिए बहुत ही तेज़ है, झमाझम झमाझम बारिश हो रही है। और दिल्ली में तो इतना पानी भर गया है कि वहाँ कहीं से भी निकलने के लिए जगह नहीं है। सारे रोड हैं जो पानी से भर गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं एकदम से, क्योंकि यमुना नदी का जो पानी था वो भी दिल्ली में घुस गया है, तो वो भी भरा हुआ है जगह जगह। और यहाँ पे भी लोग बैठ के पार्क में बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, पानी से नहा रहे हैं। तो मैं भी अभी जाऊँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बहुत से लोग आते जा रहे हैं बारिश में नहाने के लिए। पानी भी भरता जा रहा है, काफ़ी जगह जगह पर भर गया है पानी। पार्क में बहुत सी फ्रेंड्स आ गई थी मेरी, तो पार्क में बहुत ही देर तक नहाया है, कम से कम एक घंटे तक नहा लिया है हमने। अभी लगने लगी है ठंड काफ़ी, अभी जाके चेंज कर लेंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी शाम के खाने की तैयारी भी कर लूँगी मैं। तो अभी आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, तो उसको कट करके इसको फ्राई कर लेंगे जल्दी जल्दी। और इसके बाद मैं रायता बना दूँगी शाम के खाने में और चपाती। आज खाना यही बनने वाला है हमारा घर का शाम का डिनर। लौकी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, इसको चने की दाल के साथ भी बनाते हैं और इसमें अमचूर डाल के भी बनाते हैं। पिसा हुआ नहीं, जो हमारे यहाँ साबुत बनता है ना अमचूर, छोटे छोटे टुकड़ों में जब आम आते हैं तो उसको फाट के सुखा लेते हैं छील के, और उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे भी कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके बाद उसमें डाल देते हैं, तो उसका एकदम खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं घर में तो अमचूर डाल के ही बनाते हैं। और जैसे चने की दाल के साथ बनाते हैं तो उसमें टमाटर डालते हैं, तो टमाटर वाली भी बहुत अच्छी लगती है दाल। कुछ सब्जियां भी आ गई हैं, तो इनको भी अच्छे से वॉश करके इनको भी रख देंगे, देखते हैं क्या क्या है। टमाटर तो बहुत ही महंगा हो गया है अभी, 140 160 170 तक गया है टमाटर। तो ये हमारे मंडी से आए हैं, इसलिए हमारे थोड़े ज़्यादा टमाटर मंगवा लिए हैं मैंने, तो मंडी में थोड़े ठीक रेट है। और जो हम शॉप से लेते हैं तो वहाँ के रेट तो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो उसके साथ हम भिंडी भी मंगवा ली है, और शिमला मिर्ची है, नींबू है, और चार पांच सब्जियां और हैं। सबसे पहले तो धनिया को धुल के फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो ये बहुत जल्दी सड़ जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।